गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो ये कहानी तो जैसे अनुज ने बताया बहुत अनयूजुअल है, बट आई लाइक टू थैंक सुभाष जी फर्स्ट, पुनीत जी, मंगेश जी एंड तुभा जी टू गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू टेल दिस वेरी सेंसिटिव स्टोरी। जैसे अनुज ने कहा, ये दुर्भाग्य की बात है कि कुछ ऐसे समुदाय हैं जो अभी भी गुलामी में जी रहे हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं। हम उनकी कहानी एक एंटरटेनिंग वे में, कोई बहुत बड़ा ऐसा झंडा लेके निकले हैं उस तरह से नहीं, ऑडियंस के दिलों को हम छूना चाहते हैं। दैट इज आवर मेन ऑब्जेक्ट एंड वी होप के हमारे एक्टर्स जो पावर हाउस ऑफ टैलेंट हैं, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे राइटर्स जिन्होंने कमाल की कहानी लिखी है, डायलॉग्स लिखे हैं, स्क्रीन पे लिखा है, स्टोरी लिखी है, वो ऑडियंस के दिलों को छुएं। और मुझे आप सबका साथ चाहिए ताकि ये कहानी जो है, सेंसिटिव कहानी, हमारी छोटी छोटी गाँव तक, शहरों तक ये कहानी पहुंच सके। सो वी नीड योर सपोर्ट। थैंक यू। ही इज आर्या, ही इज प्लेइंग कालिकांत ठाकुर इन द शो। This is Titiksha, she plays Geeta. That's Yash, he plays Harish. And that's Prakhar, he plays Durjan. एक बहुत important किरदार है हमारे शो का, जागृति। Unfortunately she is unwell today और वो आ नहीं पाई, so we didn't want to push her, but the rest of the powerhouse talent is here. Aarya, you want to say something? नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सबसे पहले तो, एंड बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जी टीवी का, सबका, शो का, गुरुदेव भल्ला प्रोडक्शन हाउस, एवरीवन। सबसे पहले तो सुभाष जी, हमारे गोयका साहब एंड टूबा एज वेल एज मंगेश, एवरी सिंगल पर्सन हु हैज़ जॉइंड हैंड्स एंड सीन टू इट कि कितनी सेंसिटिव स्टोरी इतनी खूबसूरती से आपके सामने रखी जाए। इस तरीके से नहीं कि सिर्फ वो एक प्रीची कहानी लगे, लेकिन एक एंटरटेनिंग कहानी लगे जो आप सबके साथ जुड़े। जो मुझे लगता है सिर्फ यहाँ पर जो इस स्टेज पर अभी लोग खड़े हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं रही है, वो हर एक इंसान की रही है जो इस शो में कहीं ना कहीं जुड़ा है। चाहे हमारे मार्केटिंग के सारे कैरेक्टर्स हों, हमारे लोग हों, हमारी पूरी टीम, हमारी मेकअप, कॉस्ट्यूम, स्पेशली हमारे डायरेक्टर साहब जिस तरीके से हमारे साथ सेट पर भी ये चाबुक के साथ हमसे काम करवाते हैं। ये जोक था, इसको सीरियसली मत लेना। मैं कालिकांत ठाकुर वहां हूं या नहीं हूं, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट जो सर ने कहा कि हमारी जो जागृति है आज उनकी तबीयत खराब हो गई है, तो मैं आपको एस कालिकांत ठाकुर एक बात कहना चाहता हूं जो प्लीज आप समझने की कोशिश करिए। कैन आई बी कालिकांत ठाकुर एंड से दिस प्लीज? ये बीमारी बीमारी जो है वो सिर्फ एक बहाना है। का ये बीमारी बीमारी जो है वो सिर्फ एक बहाना है। ये जागृति को पता है कि यहाँ कालिकांत ठाकुर का आना है। क्या बोले, समझ में आया? हाँ, पर चलिए कोई बात नहीं, आज जागृति को भी कालिकांत ठाकुर गेट वेल सून बोलेगा। क्या बोलेगा? अरे किसी ने नहीं बोला है वहां। क्या बोलेगा? हाँ, दिस इज मच बेटर। Okay, now coming back to being Aarya, thank you so much. एक चीज मैं जरूर कहना चाहूँगा before I say anything over here. मुझे आज बहुत वक्त लग रहा है अपने आप को और अपने इमोशंस को एक काबू में रखने के लिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग मोमेंट है। काफ़ी वक्त बाद, काफ़ी अरसे बाद मैंने अपने आप को इस इतने अच्छे किरदार में देखा है। प्रकार, तेरी लंबाई मेरी पूरे कैरेक्टर को छुपा रही है। हाँ, तो मैंने काफ़ी वक्त बाद अपने आप को एक ऐसे बहुत ही खूबसूरत किरदार में देखा है जिसको बहुत 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 प्यार से लिखा गया है। देखिए, हर अभिनेता जो होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि उसको एक ऐसा रोल मिले जिसमें उसको अभिनय करने का मौका तो मिले। यार, अगर अभिनय करने का मौका ही नहीं मिलेगा तो अभिनेता कर क्या रहा है? So at the end of it, I am genuinely very, very thankful to Sir and the entire team, Director Sahab, Writer Sahab, every single person who's joined over here and created Kalikant Thakur from the bottom of my heart. Thank you so, so much for giving me and all of us this opportunity. Thank you. आप तो छा गए पूरे कालीकांत की तरह. I request all the actors to say a little bit about your roles, ताकि हम भी जाने आपके किरदार के बारे में. पहली बात तो God's grace, I am very grateful. Guru sir, thank you so much कि आपने गीता देखी मुझमें और Jalaj sir is trying his best to bring the best in me. So गीता का बहुत ही beautiful किरदार है. आपने जैसे इसमें देखा कि गीता जागृति की माँ है, लेकिन वो आपको जागृति एक नई सुबह देखना पड़ेगा और जागृति के किरदार को देखना पड़ेगा मेरे किरदार को थोड़ा और समझने के लिए. इसलिए ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन गीता का किरदार एक बहुत अहम हिस्सा है शो का, क्योंकि अगर जागृति गीता की बेटी है तो कहीं ना कहीं उसमें गीता की क्वालिटीज़ हैं. और इसी के साथ शीज़ आप एक मजिस्ट्रेट के किरदार में देखेंगे गीता को, और सही का साथ देती है और अपनी सोसाइटी में गलत के अगेंस्ट खड़ी होती है और कहीं ना कहीं एनलाइटन करती है. गीता अपने आप में नाम भगवद गीता से आया है, तो भगवद गीता से हमें ज्ञान ही मिलता है. तो ज्ञान की बातें करते हुए मैं आपको दिखूंगी शो में, और बाकी और आगे की कहानी जानने के लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा. सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अगेन. आप सभी को नमस्कार मेरा, and thanks to Gurudev Bhalla sir, Jalaj sir, Zee TV and हमारी क्रिएटिव टीम, राइटर, सबको बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा. मैं इसमें हरीश का किरदार निभा रहा हूँ. हरीश का जो जीवन है वो जागृति से ही शुरू होता है और जागृति पे ही ख़त्म होता है. हरीश भी जीवन में कभी भटक जाता है, तो एक बच्ची अपने बाप को, बाप के साथ साथ एक समुदाय को, समाज को किस तरह पे राह पर लेकर आती है, यही हरीश की कहानी है जो आपको हमारे आने वाले शो में दिखेगी. जागृति एक नई सुबह 16 सितंबर से 8:30 बजे. आपका साथ और प्यार दोनों चाहिए, प्लीज वो बनाए रखिएगा. थैंक यू सो मच. हेलो, नमस्कार, आदाब, आप सभी को सलाम करता हूं और अब जल्दी से अपनी बात तमाम करता हूं. आप यकीन नहीं करेंगे 16 तारीख से ये जो आने वाला है ये हवा नहीं, पवंडर है. हवा नहीं, पवंडर है. तालाब तो खूब पैदा हुआ है इस दुनिया में, ये अपने आप में एक मीठे पानी का समुंदर है. तो खैर ये तो एक कैरेक्टर, हालांकि दुर्जन खूंखार, बुद्धि से बहुत तेज, जागृति की तरह लगभग चालाक, एक लीडरशिप की उसमें सारे गुण, अपने सरकार के लिए एक वफादारी, का भरोसा जिंदगी भर का, अगर कोई भी उनके खिलाफ कुछ भी कह दे तो. लेकिन अपने समुदाय, अपने समाज जिनका वो मुखिया है उसके लिए एक परवाह भी. तो इन सभी का मिश्रण है दुर्जन सिंह और सुदत्ता, और बाकी की जो कहानी है वो आप शो में देखिएगा कि वो उसकी ज़्यादा खूबसूरती उसमें आपको नजर आएगी. और मैं शुक्रगुजार हूं, जैसा आर्य सर ने कहा था कि ऐसे मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, बहुत सारे टीवी शोज किए, वेब सीरीज की, फिल्म की. 2022 में एक फिल्म आई थी शमशेरा, यशराज की, उसमें मैंने एक भूरा राम का कैरेक्टर किया था. बहुत सारे रोल अदा किए, हर तरह के किरदार, लेकिन एक हर एक कलाकार की, हर एक अभिनेता की अपने अंदर एक ख्वाहिश होती है कि कभी ना कभी यार ये रोल करने का मुझे मौका मिल जाए बस. और वो मौका मुझे, ये मेरी खुशकिस्मती है या एक तकदीर, ऊपर वाले का एक हाथ, कि मुझे जागृति से ये रोल करने का मौका मिला. जैसा मैं अपने रियल लाइफ में कुछ कुछ हूं, वैसा ही काफी कुछ जो है मेरा ये कैरेक्टर है रियल लाइफ में. और मैं सौभाग्यशाली हूं, दिल से शुक्रगुजार हूं, गुरुदेव भल्ला स्क्रीन्स LLP का श्री गुरुदेव भल्ला सर, हमारे लाजवाब डायरेक्टर, कमाल के डायरेक्टर, 5 साल की बच्ची से 70 साल के बूढ़े से किस तरह से काम निकालना है, काम कराना है, उसको उसकी बखूबी जानकारी रखने वाले हमारे लाजवाब डायरेक्टर श्री जलज शर्मा सर, कास्टिंग डायरेक्टर मिस्टर आशुतोष राय जी, जिन्होंने पहली दफा मुझे कॉल किया, स्क्रिप्ट सेंड की, अफाक खान जी, नितिन द्विवेदी जी और जी टीवी और Z5 की पूरी टीम का मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। और उनसे भी बढ़कर आप सभी का, क्योंकि ऑडियंस नहीं है तो ना कोई शो है, ना कोई फिल्म है, ना कोई सीरीज है, कुछ भी नहीं, इसलिए सबसे ऊपर ऑडियंस है। तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का। और आर्या सर, जिनसे मुझे हमेशा एक हौसला मिला है, एक उत्साह मिला है, क्योंकि एक इतनी बड़ी शख्सियत होने के बाद भी कुछ ही दिनों में हम दोनों ही जो है मित्र जैसे हो गए। यश भाई, आप सभी से मुझे एक हौसला मिलता है और एक अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपको रोल करके कैसा लगा? जी, बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, ऐसा किरदार का नाम कालीकांत ठाकुर है। जागृति एक नई सुबह शो का नाम है, 8:30 बजे आ रही है ZTV पर from 16 September and I think all of us actors are very excited about this. सर, जागृति के साथ आपको काम करके कैसा लगा? जागृति एक छोटी लड़की है, उसका मैनेज करने में आपको लाइक शूट के टाइम पे उसका मतलब कैसा बॉन्ड है? जागृति बच्ची छोटी है, जैसा उसका किरदार है रियल लाइफ में भी वो वैसी है, बिकॉज मेरा काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन गया है उसके साथ काम करते करते और काफ़ी मज़ा आता है। एक आप बच्चे के साथ आप एक बाबा का किरदार में निभा रहा हूँ, तो एक बाप बेटी वाला तो बॉन्ड है ही, और ऑफ सेट भी शी ऑलवेज लाइक भैया भैया भैया, और काफ़ी कुछ जिस तरीके से मैंने कैरेक्टर में भी बताया, एक होता है ना कि आप एक इस एज में आ जाते हैं, आपने लाइफ में कुछ चीज़ें मिसिंग करी होती हैं आपने, और आज की जो जनरेशन है उन बच्चों में इतना कुछ होता है कि उनसे सीखने को भी मिलता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसके साथ काम कर रहा हूँ, और कुछ सीखने को भी मिल रहा है साथ में, और बहुत अच्छा माहौल होता है जब आप एक फादर का रोल कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हम भी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? वो लंबा है तो मतलब वही स्ट्रॉन्ग है। सरकार तो कालीकांत भाई साहब दिखाएं हम कितना स्ट्रॉन्ग है। नहीं, मजाक कर रहे हैं सर। अरे हम लीड बच्ची है, हम मजाक कर रहे हैं भाई, हमारा मजाक करने का अंदाज है, ये हमारे भाई हैं। ऐसे स्ट्रॉन्ग बात बोलो भाई, कालीकांत जी हमको छोड़ेंगे नहीं, और ये हमारे सरकार है। अरे नहीं, बहुत अच्छा इनका रोल है। सब बताइए ना। हाँ भाई, कुछ जो अभी बातचीत हुई, दुर्जन एक समुदाय का मुखिया और अपने सरकार कालीकांत जी उनका एक वफादार सिपाही कह लें या आप एक उनका वफादार कह लें, और उसी समाज के लिए एक उसकी परवाह बुद्धि से वो काफ़ी तेज है ही सही, एक लीडरशिप की उसमें क्वालिटी है, और वही क्वालिटी फिर जागृति में भी आती है। हमारे ये हरीश जो है मेरा भाई का भतीजा, मेरा भतीजा है, और इसकी बच्ची जो है वो जागृति है, जिसमें चित्ताओं के सारे गुण हैं, हम चित्ताओं के मुखिया हैं सौभाग्य से। मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, मैं बोल सकता हूँ एक चीज़ मैं बस ऐड करना चाहूँगा जागृति के बारे में स्पेशली। अभी किसी में एक सवाल पूछा था कि बच्चों के साथ काम करके कैसा लगता है। हाँ, यू नो, मेरे लिए वो ऑफ सेट ऑब्वियसली बहुत प्यारी बच्ची है, जिसको जानने में बहुत अच्छा लगता है, हंसी मजाक करते हैं, लेकिन जब वो सेट पर आती हैं, वो चाहे प्रखर हों, यश हों, यू नो, तितिक्षा हों या मैं हूँ, हम कोई भी एक्टर के से कम प्रोफेशनलिज्म में कहीं पर नहीं होती है। शी इज़ अ प्रॉपर प्रोफेशनल एक्टर एंड परफॉर्म्स लाइक अ वेरी गुड प्रोफेशनल एक्टर। तो कहीं पर ये बात नहीं कि ओ माय गॉड एक बच्चे के साथ, नथिंग लाइक दैट। आई थिंक शी कीप्स हर ऑन अस ऑन आवर टोस। एंड जब ये शो आएगा आपको शो देखने को मिलेगा, काफ़ी बड़े बड़े सीन्स हैं, लाइक कालीकांत जी के साथ हैं, दद्दा के साथ हैं, और फादर डॉटर का जो बॉन्ड है, इतने बड़े बड़े और इतने इमोशनल सीन्स हैं, और बच्चे के साथ जब परफॉर्म कर रहे हो ये यहाँ पर जैसा कि कालीकांत जी ने कहा कि ऐसा सोच भी नहीं सकते हो आप, इतनी टैलेंटेड है, इतनी प्रोफेशनल है। लाइन्स वो व्हेन शी परफॉर्म्स लाइक इतनी सारी लाइन्स होती है, जब वो परफॉर्म करती है ना तो बस हो ही जाते हैं उसमें कि यार वाह सरकार इस पे हम भी कुछ कहना चाहिए, इजाजत नहीं? हाँ हाँ बोलिए। कलाकार या अभिनेता बनता नहीं है, पैदा होता है। कोयले की खदान में हीरा बनता नहीं है, वो पैदा होता है। लेकिन शोरूम तक पहुंचने में कई सारे जोड़ियों से, कई सारे कारीगरों के हाथों से होकर गुजरता है। ऐसी कलाकार अभिनेता के साथ भी कई निर्देशकों के हाथों से, उनके मार्गदर्शन से होकर गुजरता है, तब जाकर फिर वो बिकने लायक होता है। तो पैदा होता है, ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि वो जो जग्गू है वो पैदा हुई है अच्छा काम करने के। इतनी सारी लाइन्स, इतने बड़े बड़े हाँ मोनोलॉग्स वगैरह और इतने सारे वेरिएशंस के साथ वो एक ही टेक में परफॉर्म करती है, ये कमाल की बात है। और दूसरा, हमारे जो डायरेक्टर सर हैं जलज शर्मा सर, मतलब हालांकि मेरी खुशकिस्मती रही कि मैंने जितने ही प्रोजेक्ट्स किए मुझे उसमें अच्छे ही डायरेक्टर मिले, लेकिन ये तो लाजवाब है। कैसे काम करवाना है, कैसे आपको काम, मैं कोई शब्द ही नहीं है एक्चुअली। तो ये जो जागृति एक नई सुबह है, 16 सितंबर से रात 8:30 बजे ZEE TV और OTT प्लेटफॉर्म G5 पर आने वाला है। तो आप सभी इसको देखिए। बाकी किरदारों की जो खूबसूरती है, कहानी की जो खूबसूरती है, वो आपको देखने के बाद और अच्छे से समझ में आएगी और आपको अच्छा भी लगेगा। हाँ जी जी हाँ। तो मैं बताना चाहूँगी कि गीता जी से शुरू ज़रूर होगा शो, लेकिन जागृति जो है वो गीता की बेटी है, तो वो इस शो को आगे लेकर जाएगी। और फिर जब आप आगे देखेंगे कि गीता का इन्वॉल्वमेंट जब आता है जागृति की लाइफ में, तो वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट रहेगा शो का। लेकिन हाँ, मैं कहूँगी कि अस्तित्व जागृति का गीता से ही है, तो बहुत एक अहम कड़ी जुड़ी है दोनों कैरेक्टर्स में। और अभी ज़रूर आपको मैं एकदम बिट्स एंड पीसेस में दिखी हूँ, लेकिन जैसे कहते हैं कि माँ का एक बच्चे पे बहुत ज़्यादा असर होता है, सो वो बस्ती में पैदा हुई, बस्ती की है, लेकिन बस्ती से अलग क्यों है, वो कड़ी जो है वो आपको गीता के किरदार से ही और अच्छे से समझ में आएगी। बहुत ब्यूटीफुली अनफोल्ड होगा ये किरदार, और कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका भी निभाया है। और बाकी मेरे किरदार का बाकी सबसे पावर हाउस के साथ क्या कनेक्शन है, वो भी शो देखने पे आपको पता चलेगा, इसलिए उस चीज़ को अभी रिवील करना सही नहीं है। सो यस, अक्सर शो में देखा है। हाँ जी जी जी। सबसे अच्छी बात इस शो की ये है कि सोशल कॉज के साथ साथ जो हर घर में कहीं ना कहीं हमें कुछ चीज़ें देखने मिलती हैं जो आज़ादी से रिलेटेड है। फ्रीडम चाहते हैं हम सब, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से हर घर में हर इंसान जूझ रहा है, हमें किसी न किसी चीज़ से आज़ादी चाहिए। तो दिमाग की, विचारों की आज़ादी एक सोशल कॉज है कि कुछ समुदाय हैं हमारे जो आज भी पिछड़े हुए हैं। सो जैसे कि गीता का किरदार है कि वो मजिस्ट्रेट, जुडिशल मजिस्ट्रेट बनकर आती है, तो जुडिशल मजिस्ट्रेट कहीं ना कहीं वो लॉ में स्ट्रॉन्ग है, तो उसे सही गलत की समझ है। तो वो इस समुदाय में आकर क्या चीज़ें, क्या कैसा इन्वॉल्वमेंट रहेगा उसका, और जग्गू के साथ क्या रहेगा, वो आपको पता चलेगा। तो एनी अदर शो की तरह नहीं होगा, ये कुछ अलग आपको देखने मिलेगा। एक सोशल कॉज के साथ पावर हाउस ऑफ इमोशंस भी हैं। अभी जैसे कि आप पावर हाउस देख ही पा रहे हैं, ये तो ये एक पावर हाउस हुआ, और हमारे शो में आपको और भी बच्चे देखने मिलेंगे। बच्चे बहुत सारे हैं, और बच्चों ने हमसे भी ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 शेड्स आपको बच्चों से इमोशंस कनेक्ट होते हैं, तो इमोशनल के साथ साथ आपको सोशल कॉज देखने मिलेगा। आर्या सर, आपने इस शो के लिए हाँ क्या रीजन था? थोड़ा जोर से बोलेंगे आप, क्या रीजन था इस शो के लिए हाँ कहना, और कैसा कैरेक्टर आपको पहली बार इस टाइप का? देखिए, मुझे जब ये शो ऑफर हुआ, यू नो, और मुझे सबसे पहले तो कहानी सुनाई गई, एंड मुझे कहानी ने बहुत ज़्यादा एक्साइट किया। उसके बाद जो किरदार इन्होंने मुझे सुनाया, कालीकांत ठाकुर, जिस तरीके का ये किरदार है, उसका डायलेक्ट क्या होगा, उसका अंदाज़ क्या होगा बात करने का, उसकी पिच क्या सोच रहे हैं, यू नो, मैं राइटिंग टीम के साथ बैठा, डायरेक्शन टीम के साथ, गुरुदेव भल्ला जी के साथ, पूरी स्क्रिप्ट्स जो थी ऑलमोस्ट हर एपिसोड की रेडी, मुझे पढ़ने का मौका मिला। एज एन एक्टर बहुत ही मीठी रोल है, टू बाइट इन टू, वेरी जूसी कैरेक्टर। एंड जब मुझे पता चला कि ZEE TV इस शो को बना रहा है, यू नो, सुभाष जी, पुनीत साहब, मंगेश जी, टुभा, द होल टीम कमिंग अलॉन्ग एंड यू नो गिविंग इट अ सच अ गुड स्लॉट, डायरेक्टर साहब जिस तरीके से एवरीवन गाइडेड मी, आई वाज वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड हाँ, I think everything worked out for the best. किसकी पहचान नहीं, माफी चाहता हूँ, जागृति की पहचान ही नहीं है वहाँ पर, क्या इसका कुछ असर पड़ेगा वहाँ पर? देखिए, जब भी जो भी चीज़ कोई भी एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे दिखाई जाती है, उसकी कोशिश यही होती है कि वो सोसाइटी को एक अलग जरिए से आगे पॉजिटिवली आगे लेकर जाए. सो दैट इज़ दी ओनली कंसर्न. अगर ऐसा कुछ होता है तो यस, पहला तो हमारी सोच यही होगी कि एंटरटेन करें ऑडियंस को और हमारे साथ जोड़ के रखें, लेकिन अगर ऐसी कोई पॉजिटिव चीज़ अगर होती है तो क्यों ना, ज़रूर हो. जागृति के अंदर ऐसा क्या है? सबसे बड़ी बात, बेटी जो होती है ना, बाप के लिए दुनिया होती है ना. और जागृति जैसा कि नाम है उसका, हर किसी को, अगर हम अपने शो की बात करें, समाज की बात करें, जागृत कर रही है. और बच्चे में जब ये खूबियाँ होती हैं तो सिर्फ माँ बाप ही नहीं, पड़ोसी रिश्तेदार ही नहीं, पूरे समाज और पूरी दुनिया उसको पसंद करती है. उसकी जितनी खूबियाँ हैं वो अभी मैं नहीं बताऊँगा, सिर्फ ये कहना कि मेरी दुनिया उसी से शुरू उसी पे ख़त्म है. बाकी 16 सितंबर को आप भी देखेंगे, हमारी ऑडियंस भी देखेगी, और वही देखकर बताएगी कि जागृति के बाबा ने ऐसा क्यों कहा था. दोबारा बोले, कोई मैसेज ऑडियंस के लिए? यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 शुरू करिए सर. वैसे यही है कि आप देखें, सारे शो देखें, हर शो की एक खूबसूरती है, लेकिन जागृति में एक अलग बात है, तो मैं दिल से कह रहा हूँ, और इस शो को आप देखना बिल्कुल ना भूलें. इसमें कलाकारों ने जो मेहनत की है, इसकी जो स्टोरी है, आपको मज़ा आएगा और आप सभी को देखना चाहिए. हर उम्र वर्ग के लोगों के लिए ये शो है, क्योंकि इसमें पूरी फैमिली है, इसमें कई विलन एक्टर्स भी हैं, और मज़ा आएगा आपको. आपको ये शो देखना चाहिए, जागृति एक नई सुबह, 16 सितंबर से रात 8:30. जब शो ये आएगा आपके सामने, चाहे आप एक गांव में देख रहे हैं, कस्बे में देख रहे हैं, शहर में देख रहे हैं, तो आप इससे अपने आप को कंपेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये जो कहानी है ना, सिर्फ एक बच्ची की है कहानी, पर ये कहीं ना कहीं हर किसी से कनेक्टेड है. जो एक मैसेज दिया जा रहा है, इसकी खूबी यही है, यूएसपी यही है, क्योंकि हर एक इंसान अपने आप को इससे जोड़ेगा और खुद को महसूस करेगा कि ये जो बच्ची है, मैं हूँ. चाहे वो एक बच्चा है या एक बुजुर्ग उम्र में है, उसने कहीं ना कहीं ये चीज़ें महसूस की हैं और वो उस उम्र में भी कर रहा होगा, ये इसकी खास बात है. तो इसलिए हमारा शो आप ज़रूर देखिएगा, 16 सितंबर से 8:30 बजे, जागृति एक नई सुबह. देखिए, आज भी हम एक ऐसे समाज में रहते हैं तो चाहते ना चाहते ऊंच नीच में यकीन रखता है, अमीर गरीब में यकीन रखता है, इस टाइप की कहानी, इस टाइप की सोच में यकीन रखता है. हमारी कोशिश ये है कि हम ये बदलाव लेकर आए. हमारी कोशिश ये है कि इसके थ्रू, इस कहानी के थ्रू हम आपको एंटरटेन ज़रूर करें, लेकिन 16 सितंबर से Zee TV हर रात 8:30 बजे आपको उस एंटरटेनमेंट के साथ हमारी इसी सोसाइटी में एक बदलाव लाते हुए आपको एक नई सुबह दें. जागृति एक नई सुबह, बिल्कुल बदलाव आएगा. बिल्कुल बात कही है, एक बहुत अच्छी एक सीख भी है आज की सोसाइटी के लिए भी, जो अपने दिलो दिमाग में एक अलग टाइप की एक सोच लेकर चल रहे हैं, इस टाइप के लोगों के लिए. तुम्हारा शॉट हो गया था, अब इसका शॉट है. तुम्हारा कैमरा बिट खत्म हो गया. तुम ये दूसरे के शॉट के बीच में अपने डायलॉग मत घुसाओ. हम देख रहे हैं दुर्जन सर, देख रहे हैं ये अनर्थ कैसा किया. अरे नहीं, मजाक कर रहे हैं, प्लीज मैम. बदलाव की बात हम कर रहे हैं तो सबसे पहले बदलाव आता है विचारों से. विचारों से बदलाव आता है और इसीलिए हमें सवाल करने ज़रूरी है. तो सोसाइटी में कोई भी बदलाव लाने के लिए सवाल करने ज़रूरी हैं, जो कि जग्गू हमारी सवाल करेगी. और इसीलिए कहीं ऑडियंस कनेक्ट करेगी कि हाँ, ये सही, ये गलत. जेनजी है वो, और जो हमारी जनरेशन है उसमें आगे आने वाली जनरेशन में बदलाव तभी आएगा जब उस एज के बच्चे सवाल करेंगे क्यूरियोसिटी के साथ. और इसीलिए हम भी विचारों में जाके उस चीज़ को बदलेंगे सोसाइटी के लिए. इसीलिए जागृति एक नई सुबह Zee TV पे 8:30 बजे 16 सितंबर से ज़रूर देखेंगे.